सोशल मीडिया साइट पर इन दिनों एक खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। खबर है कि 31 दिसंबर 2019 के बाद 2000 के नोट है वो बंद हो जाएंगे। यह एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर हर कोई हैरान और परेशान है। खबर में तो यहाँ तक बताया जा रहा है कि 2000 के जगह पे 1000 रुपये के नोट जो है वापस रिप्लेस होंगे। तो इस खबर की पूरी सच्चाई क्या है, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए खबर को बिना किसी देरी के शुरू कर। दरअसल ब्लैक मनी को रोकने के लिए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 8 नवंबर 2016 की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद 500 और 1000 के जो पुराने नोट थे वो अवैध हो गए थे। कैश की किल्लत को कम करने के लिए सरकार ने नोटबंदी के साथ ही 2000 रुपये का नोट जारी किया था। अब इस खबर की सच्चाई क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं कि 2000 के नोट बंद होंगे या नहीं। इस मामले में इतनी ज़्यादा अफवाह फैल गई कि इसको गंभीरता से भारत सरकार के एक मंत्री ने लिया और इसका जवाब जो है उन्होंने संसद में ही दिया है। आपको बता दें कि इस मामले पर सफाई देने के लिए वित्त राज्य मंत्री जो अनुराग ठाकुर है, उन्होंने राज्यसभा में इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया साइट पर जो खबर चल रही है वो अफवाह है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाज़ार में 2000 रुपये के नोट मौजूद है और इस समय चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2000 के नोट को बंद करने से अभी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इसके कुछ फायदे हैं। अनुराग ठाकुर ने बयान में साफ किया है कि सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है 31 दिसंबर 2019 से 2000 के नोट बंद होने जा रहे हैं, यह केवल अफवाह है। इसके साथ ही खबर की यह भी पुष्टि हो गई कि फिलहाल 2000 का जो नोट है वो बंद नहीं हो रहे हैं, ये चलते रहेंगे, यह महज एक अफवाह था। तो अगर आपके नज़र में भी कोई इस तरह की खबर है जिसकी आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं bihardelegation@gmail.com पे। हम आपको खबर की पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।